हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 36 साइज का, और ये डिज़ाइन बनेगा बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो उसी के हिसाब से आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना है। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रख लेना है और टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं अपने ब्लाउज की, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच। बोट नेक के अकॉर्डिंग 36 साइज में शोल्डर एंड आर्म होल लेंगे 7 इंच। शोल्डर एंड आर्म होल के लिए मार्किंग किया है मैंने 7 इंच पर। अगर आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट नहीं पता है तो इसी चैनल पर चार्ट अपलोड है बोट नेक का, आप देख सकते हैं। उसमें अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट चेस्ट का 4th भाग लेंगे 9 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब हमने यहाँ पर 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई करनी है। 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन रखना है। नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर है 30 इंच, उसका 4th भाग होगा 7 इंच, यहाँ पर 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसे कट करना है इस तरीके से। शोल्डर को डाउन रखते हुए कटिंग करेंगे। अब हमने इसे मेन कपड़े पर कटिंग करना है। तो देखिए, मेन कपड़े पर भी कटिंग कर लिया है। अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 4 इंच, आप 4.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की लेंथ ऊपर से मार्क करेंगे 3 इंच पर। 3 इंच पे हमें एक बोट नेक का शेप देना है इस तरीके से। अब हमने नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। तो नीचे मैंने 8 इंच पर मार्क किया है, नीचे से 4 इंच पर मार्क किया है और इस तरीके से इसे मिला देना है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर हम सेंटर मार्क कर लेंगे और स्केल से इसे इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, गले का शेप मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। अब हमने इसे कट कर लेना है। तो गले को इस तरीके से यहाँ पर कटिंग करेंगे और मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं होता है तो भी आप इस गले को बना सकते हैं। सिंपल सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा। पेपर पेस्टिंग है तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेंगे और गले के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब हमने इसे कट कर लेना है। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है। पेपर पेस्टिंग को अस्तर के कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे प्रेस के साथ चिपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो सारे पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले देखिए, हमने पेपर पेस्टिंग को अटैच करना है यहाँ पर। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर हम पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर अटैच कर देंगे। एक रफ स्टिच भी लगा सकते हैं आप, एक इस कॉर्नर की और एक दूसरे कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। अब हमने दूसरे कॉर्नर से भी इस पर सिलाई लगा देनी है। 2 सिलाई लगाने से पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच रहता है। इस तरीके से सिलाई लगा देना है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग था उसे मैंने कटिंग कर लिया है बीच का। अब हमने मेन फैब्रिक को नीचे सीधा रख लेना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है हमें। ये देखिए, इस तरीके से पूरे ही नेक पर मैंने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है और अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने से कपड़ा जो है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है और फिनिशिंग के साथ दिखता है। अब हमने देखिए कट यहाँ पर लगा लिए हैं। अब इसे पलट के सीधा करेंगे।
कट कंप्लीट करने के बाद हमने इसे पलट के सीधा करना है और कॉर्नर अच्छे से निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से इसे पलटेंगे और कॉर्नर को कैची की मदद से अच्छे से निकाल लेंगे। हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे ये जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से बाहर की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लिए हैं, इसे बराबर से कर लेंगे। हाथों के साथ हमें अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। और अब हमने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और अब हमने बाहर की तरफ से इस पर सिलाई लगानी है। बाहर वाली सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक पट्टी बनाकर लगानी है गले पर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं और लूप और बटन भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये पट्टी लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए पट्टी को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। दूसरी तरफ से भी अटैच कर देंगे। थोड़ा सा गेप बीच में छोड़ देंगे तो कंधे जो हैं वो बराबर रहेंगे, आपके खिंचाव नहीं होगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने देखिए इसे बराबर कर लिया है और अब हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने प्लेट्स लगानी है। 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगा लेंगे दोनों ही तरफ। इसके बाद मैं अटैच कर रही हूँ कमर पट्टी। तो नीचे हमने 1.5 इंच की चौड़ाई में कमर पट्टी लेना है। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच करेंगे इसे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े के पीसेस कट किए हुए हैं सेम फैब्रिक के, जिनकी लंबाई चौड़ाई 2.25 इंच है, 2.25 इंच। और अब हमने इसे ट्रायंगल्स में फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से इन्हें फोल्ड कर लेंगे अच्छे से और सारे ही पैटर्न हमने तैयार कर लेने हैं। कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। अब गले के ऊपर इन्हें लगाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल पास पास में इस तरीके से पूरे ही नेक के ऊपर इन्हें अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे ही नेक पे हमें लगा लेना है इन्हें। अटैच करने के बाद हमें एक फ्लावर तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक के कुछ पीसेस कट किए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच है, 2.5 से 3 इंच आप ले सकते हैं। इन्हें ट्रायंगल में फोल्ड करके नीचे से गोलाई में कट कर लेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से हमें इसे कटिंग कर लेना है और स्टिचिंग करते जाना है। सुई धागे से इसे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। 5 से 6 पीसेस आप यहाँ पर एक फ्लावर तैयार कर सकते हैं। अब इन्हें साथ में अटैच करते हुए आप खींचते हुए यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं या सुई धागे से इसे इस तरीके से खींचते हुए स्टिच कर लें। हल्का हल्का खींचेंगे तो देखिए ये फ्लावर बन जाएगा। अच्छे से इसे नॉट लगाकर पक्का कर लेना है। और अब मैं इसके नीचे लटकन बनाकर लगा रही हूँ। तो लटकन हमने आप सिंपल भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर रोज़ लटकन बना रही हूँ। तो इस तरीके से फैब्रिक को देखिए फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लटकन बना लेंगे। अच्छे से हमने इसे पक्का कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है।
लटकन बनके तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर छोटी छोटी लटकन बनाई है, आप थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं रोज़ लटकन। और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी बना लेना है हमें। ये देखिए इस तरीके से, और इसे हमने फ्लावर के ऊपर अटैच कर देना है। ये देखिए लटकन बनके तैयार हो गई है। अब आप यहाँ पर लगा सकते हैं या फ्लावर के ऊपर ही इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसे फ्लावर पर ही अटैच कर रही हूँ, पर पहले हम इसे अटैच करके साइड में रख लेंगे और नेक के ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो लेस हमने इस तरीके से लगानी है। ये देखिए पूरे ही नेक पर लेस को लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पर भी हम लेस को घुमाएंगे वहाँ पर हमें प्लीट्स डालनी है। तो एक प्लीट्स लेते हुए लेस को अटैच करेंगे इस तरीके से। पूरे ही नेक के ऊपर हमने लेस को अटैच कर देना है और मैं नीचे कमर पर भी लगाऊंगी। लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमने सिलाई लगा लेनी है। अब मैं नीचे कमर पर भी लेस को अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए लेस मैंने अटैच कर लिया है और अब हमने फ्लावर को लगा देना है यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।